एपिसोड नंबर 326 326। रावण के मुख से सीता हरण तथा युद्ध का वृत्तांत सुनकर कुंभकर्ण अत्यंत दुखी हो गया। वह रावण को धिक्कारता है जो जगजननी का अपहरण करके अब अपना कल्याण चाहता है। कहता है, अब भी यदि अभिमान त्याग कर वह श्री राम की शरण जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। नारद मुनि से मिला ज्ञान वह रावण को दे देता, किंतु अब बहुत देर हो चुकी है। अतः वह भाई से गले मिलकर युद्ध में जाने को तैयार हो जाता है, जहां उसे समस्त पापों का हरण करने वाले कमल नयन श्रीराम के दर्शन होंगे। असंख्य घड़े मदिरापान और भैंसों का भोजन करके वज्र गर्जना करता कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आ पहुंचा। वहां विभीषण उसके पैरों पर गिर पड़ा और अपने अपमान और निष्कासन की कथा कह सुनाई। कुंभकर्ण ने छोटे भाई विभीषण का साधुवाद किया, फिर बोला, रावण पर काल सवार है, अब भला वह सदुपदेश क्या सुनेगा। धन्य है तू जो अपने सत्कर्म से राक्षस कुल का भूषण हो गया, किंतु अब मैं भी काल के वश में हूं। मुझे अब अपना पराया कुछ नहीं दिख रहा, अतः तू प्रभु के पास वापस लौट जा। दस कंधर वचन तब कुंभकरण बिलखान, जगदम्बा हरि आनि अब सठ चाहत कल्याण। कीन तै निश्चर ना अब मुहि आई जगाए ही का, अज हूं तात त्यागी अभिमाना भजहु राम हो ही कल्याणा। दस शीस मनुज रघुनायक जाके हनुमान से पायक, अह बंधु तै की कोटाई प्रथम ही मोहिन सुनाए ही आई। कीने हु प्रभु विरोध ते ही देवक शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा कहते हूँ तो ही समय निर्वाह। अब भरी अंक भेटू मोहि भाई लोचन सुफल करो मैं जाय। श्याम गात सरसी रूह लोचन
देखो जाई ताप त्रय मोचन। राम रूप गुण सुमिरत मगन भय उचन एक, रावण मागे कोटि घट मद अरु महिष अनेक। खाई करी मदिरा पाना गर्जा वज्राघात समाना, कुंभकर्ण दुर्मद रण रंगा चला दुर्ग तज सेनन संगा। देखी विभीषण आगे आयो चरण निज नाम सुनायो, अनुज उठाई हृदय हिलायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। कातलात रावण मोहि मारा कहत परम हित मंत्र विचारा, तेहि गलानी रघुपति पहि आयो, देखी दीन प्रभु के मन भायो। भयं काल बस रावन सोकी मान अब परम सिखावन, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण भय हुतात निसिचर कुलभूषण। बंधु बंस तय कीन उजागर भजहु राम शोभा सुख सागर। वचन कर्म मन कपट तज भजे हो राम रन धीर, जाहु न निज पर सूझ मोहि भयउ काल बस वीर।